Wave Mile. Good morning, my dear students. Today I am going to teach a third poem of poetry class 9, Hindi medium, The Seven Ages. Third poem of poetry class 9, Hindi medium, William Shakespeare is a poet of the Seven Ages. The Seven Ages means Saat Avasthaen. There are Seven Ages of Human. मनुष्य की सात अवस्थाएं होती हैं. फर्स्ट इन्फेंट शिशु अवस्था. फर्स्ट क्या होती है? शिशु अवस्था होती है. थर्ड सेकंड स्कूल बॉय, बॉयहुड. सेकंड स्टेज इज ए बॉयहुड. एंड थर्ड स्टेज ऑफ ह्यूमन लवर एज. एंड फोर्थ सोल्जर इज अ फोर्थ स्टेज ऑफ ह्यूमन. एंड जज जस्टिस एज आती है, यह फिफ्थ एज होती है. फिफ्थ एज इज ऑफ ह्यूमन. उसके बाद होती है ओल्ड एज आती है. इस तरह से जो है सेवन एजेस के बारे में विलियम शेक्सपियर जो है वर्णन किए हैं. तो इन दिस पोएम यू कैन से दैट इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द सेवन एजेस ऑफ ह्यूमन बीइंग. इन्फेंट, स्कूल बॉय, लवर एज एंड सोल्जर्स एंड जस्टिस एंड ओल्ड एज. विलियम शेक्सपियर सेज दैट द वर्ल्ड लाइक स्टेज. द वर्ल्ड इज लाइक स्टेज. And men and women merely players. Men and women merely players. They have their exist and their entrance. Men came at the stage and saw the roles. After showing the roles, he got down from stairs. Now I am going to start line by line explanation. All the words are stage and all the men and women merely players. The have their exist and their entrance. All the words stage. विलियम शेक्सपियर कहते हैं ये पूरा संसार एक स्टेज है, एक रंगमंच है. ये जो संसार है एक रंगमंच है. एंड ऑल द मेन एंड वोमेन मेरली प्लेयर, और सभी मेन वोमेन आदमी और औरत मेरली केवल प्लेयर्स हैं, ये खिलाड़ी हैं. यानी विलियम शेक्सपियर का कहना है कि ये जो संसार है एक रंगमंच है, एक थिएटर है, और इसमें जो मनुष्य हैं और औरत हैं ये मुख्य रूप से केवल क्या हैं, खिलाड़ी हैं. और दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंस. उनका क्या होता है? एंट्रेंस होता है. एंट्रेंस मतलब होता है आगमन होता है, और एग्जिस्ट मतलब होता है डिपार्ट होता है, यानी जो है आवागमन और प्रस्थान. ठीक है. तो इस संसार में मनुष्य जन्म लेता है और अपने जो है सात अवस्थाओं में विभिन्न प्रकार के पार्ट को शो करता है, और पार्ट को शो करने के बाद उसका एग्जिस्ट हो जाता है, डेथ हो जाता है. उसी प्रकार एक प्लेयर स्टेज पर जाता है और अपने रोल्स को शो करता है, और रोल्स को शो करने के बाद वह स्टेज से गॉट डाउन हो जाता है, नीचे आ जाता है. तो दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंस. उनका जो है क्या होता है? एंट्रेंस अवागमन होता है, और एग्जिस्ट मतलब होता है प्रस्थान हो जाता है.
वन मैन इन हिज टाइम, एक आदमी इस संसार में, एक आदमी इन हिज टाइम अपने समय में प्लेज मेनी पार्ट्स, कई जो है रोल्स लेता है। एक आदमी अपने समय में कई रोल्स लेता है। हिज एक्ट्स बीइंग सेवन एजेस, और उसके जो एक्ट होते हैं, उसके कार्य होते हैं, सेवन अवस्थाओं में होती हैं। एक मनुष्य के सेवन अवस्थाओं में अपने जो है रोल्स को शो करता है। एट फर्स्ट द इन्फेंट, एक मनुष्य की फर्स्ट स्टेज होती है इन्फेंट, शिशु अवस्था। एक मानव की पहली अवस्था क्या होती है? शिशु अवस्था होती है। और शिशु अवस्था में जो है वह बच्चा म्यूलिंग करता है, क्राइंग करता है, रोता रहता है, पुकिंग मीन्स होता है ओमेटिंग करता है, तो वह पुकिंग कर देता है इन द नर्सेज आर्म, मतलब होता है नर्स के भुजाओं में या अपने माँ की भुजाओं में वह पुकिंग करता है, रोता रहता है। यह फर्स्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन इन्फेंट। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, तब जो है सेकेंड स्टेज आती है स्कूल बॉय की। स्कूल बॉय में क्या करता है बच्चा? वह वाइनिंग विथ ही सैचल, वह धीमे गति से, वाइनिंग मतलब लड़खड़ाते हुए, ठीक है, विथ हिज साइचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, अपने साइचल के साथ हो जाता है। साइचल मीन्स होता है एक प्रकार का बैग होता है जिसमें जो है बच्चे बुक रख कर लेकर जाते हैं, तो साइचल एक लॉन्ग जो है बैग होता है। स्कूल बॉय जो क्या करता है कि अपने समय में वह एक बड़ा बैग लेता है, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, सुबह का चमकता हुआ चेहरा होता है, और क्रीपिंग लाइक स्नेल, और क्रीपिंग मतलब रेंगते हुए धीरे धीरे, लाइक स्नेल, स्नेल की स्नेल मतलब घोघा, तो एक घोघे की तरह जो है रेंगते हुए धीरे धीरे विद्यालय तक जाता है, अनविलिंगली टू स्कूल, बिना इच्छा। तो इन स्कूल बॉय टाइम, यानी स्कूल बॉय के समय जो बच्चा होता है, ही डज नॉट लाइक टू गो टू स्कूल, वह स्कूल जाना नहीं चाहता है, और वह जो है आफ्टर प्रेशर्स ऑफ हिज पेरेंट्स ही गोज टू स्कूल, तो अनविलिंगली टू स्कूल, वह बच्चा अनविलिंगली बिना इच्छा के स्कूल जाता है। एंड देन लवर स्टेज, उसके बाद थर्ड स्टेज आती है लवर। ये जो लवर एज में जो क्या होता है, एक व्यक्ति जो है शाइनिंग लाइक फर्नेस, एक भट्टी की तरह आग भरता है। भट्टी की तरह आग भरना मतलब जिस प्रकार से एक भट्टी से जो है आग निकलती है, भाप निकलती है, उसी प्रकार वो आग भरता है। विथ ओ फुल वर्ल्ड में टू हिज मिस्ट्रेस, और एक दुखी पूर्ण गीत गाता है, मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, अपने जो है मिस्ट्रेस मतलब प्रेमिका के जो है आईब्रो को खुश करने के लिए, उसको खुश करने के लिए। देन ए सोल्जर, उसके बाद जो है फोर्थ स्टेज आती है सोल्जर एस सैनिक अवस्था आती है, और इसमें क्या करता है वह व्यक्ति फुल ऑफ स्ट्रेंथ, और वह विचित्र प्रतिज्ञाओं से भरा होता है। सोल्जर एज में व्यक्ति विभिन्न प्रकार के विचित्र जो है और प्रतिज्ञाओं से भरा होता है, एंड बियर्ड लाइक पॉड, और तेंदुए की तरह जो है अपनी दाढ़ी को बढ़ाता है। तेंदुए मतलब उसकी दाढ़ी बड़ी हो जाती है। जीलियस इन ऑनर, और अपने सम्मान में, जीलियस अजीलियस मतलब होता है इश्यालु स्वभाव, वह इश्यालु स्वभाव का होता है। और सडन एंड क्विक इंक्वायरर, और सडन अचानक क्विक शीघ्रता से झगड़ा कर लेता है, अपने जो सम्मान के लिए, सम्मान को पाने के लिए वह जो है शीघ्र से झगड़ा भी कर लेता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, और खोजता रहता है बबल रेपुटेशन, बबल मतलब होता है बुलबुला, बुलबुला जो है बहुत कम समय के लिए होता है, वह बुलबुला होता है फिर उसके बाद जो है फूट जाता है, तो बुलबुले जो है की तरह कम समय के लिए, कम सम्मान के लिए, थोड़े से सम्मान के लिए, रेपुटेशन मतलब सम्मान, थोड़े से सम्मान के लिए भी वह कैनन माउस तो खाने के मुंह में जाने के लिए तैयार रहता है। वह थोड़े से सम्मान के लिए भी, जो सैनिक होता है वह थोड़े से सम्मान के लिए भी वह कैनन माउथ
के मुंह में जाने के लिए तैयार होता है। उसके बाद आती है जस्टिस एज। जस्टिस एज आती है, यह फिफ्थ स्टेज ऑफ ह्यूमन बीइंग होती है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जस्टिस एज के बारे में चर्चा करूंगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।